अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी, अभी मैं करवा रही हूँ इस वक्त क्लीनिंग, और आज सुबह जो बारिश हुई है ना, और कल आंधी भी चली थी, तो इतना ज़्यादा डस्ट आई हुई थी ना अंदर। मैंने कहा मैं खुद अपने मतलब की सफाई करवाती हूँ, इसलिए मैंने सारे सोफ़े पीछे करके, सारी टेबल्स आगे पीछे करके, तो सारा घर मैंने साफ़ करवाया है। और ये देखिए, मैंने ना, मेरी हेल्पर ना पहले इसी तरह से ही मोप लगा रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि रुको मैं आती हूँ, तो साथ में ना मैं ये करती जा रही थी चीज़ें पीछे। देखिए, सोफ़े भी मैंने पीछे किए हुए हैं, और इस तरह चीज़ें आगे पीछे करके काम करवाऊँ ना, तो सारा घर अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो बस ना, फिर जो हेल्पर्स होती हैं ना, वो तो वैसे ही काम करके चली जाती हैं, लेकिन ना मैंने यहाँ से आज क्लीन भी उठाया था, क्योंकि ना क्लीन के ऊपर से अच्छे से लगता नहीं है मोप उनसे, तो कभी कभार ही मैं कालीन के ऊपर वैक्यूम लगाती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि उसे भी उठाते हैं। वैसे भी गर्मी आ गई है ना, तो कालीन देख देख के ही गर्मी लगती है। चलिए, अब इस तरह से होगा ना, फर्श तो सफाई करने में भी आसानी होगी, और डेली का डेली साफ़ भी होता रहेगा, डस्ट वगैरह हट जाएगी। और यहाँ पे ना हनान मोस्टली बैठता है, तो यहाँ पे बैठ के ही वो टीवी देखता है, इसलिए ना ज़्यादा मैस इसी वजह से ही होता है यहाँ पे। तो वो ना खाता पीता भी यहाँ पे बैठ के ही है, और यहाँ पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, पढ़ता भी इधर ही है, तो बस ये जगह ना हनान ने अपने लिए मखसूस की हुई है। और मैं ना अब सोफ़ों को भी झाड़ रही थी कपड़े के साथ, और इतनी ज़्यादा इनके ऊपर भी डस्ट पड़ी हुई है ना, तो इनके ऊपर मैंने ना कोई भी डाला नहीं हुआ कवर वगैरह। हालांकि पहले जब मैं, ये मेरी शादी के ही हैं सोफ़े, तो अभी तक बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ना पहले मैं इनको अच्छी से कवर करके रखती थी, लेकिन अब जब के ना यहाँ पे टीवी लाउंज में मैंने रखे हैं ना, तो इसी तरह से ही पड़े हुए हैं, तो रेगुलर यूज़ के लिए ही अब हमने रखे हुए हैं फ़िलहाल। और आपने देखा ही होगा कि इनके ऊपर कितनी डस्ट थी, तो जैसे जैसे मैं झाड़ती जा रही थी ना, वैसे वैसे डस्ट निकलती जा रही थी। और देखिए, मेज़ों के ऊपर भी कितनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है ना, तो आंधी आती है ना, तो उसका बस यही मसला ख़राब होता है कि सारा घर में ना गर्द पड़ जाती है, तो टेबल्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर ही आज आपको डस्ट दिखाई देगी। और इसको देख देख के ना मेरे दिल को कुछ हो रहा था, मैं कह रही थी जब तक ये साफ़ नहीं ना हो जाती तो सुकून मुझे भी नहीं आना था, तो मैं ना बस सुबह से देखती थी, और फिर ना मेरा दिल बुरा होता था, तो मैं कहती थी जब क्लीनिंग करवाती हूँ ना, तो साथ साथ भी करूँगी। और ना मोप जब लग जाता है ना, तो उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करती हूँ, फिर बाद में पोचा लगता रहेगा, तो चीज़ों के ऊपर से जो डस्ट गिरती है, तो वो भी फिर साफ़ हो जाती है फ़र्श के ऊपर से। और आजकल इतनी शदीद गर्मी है ना, कि खुद को कवर करके ना दुपट्टा लेके काम करना आजकल इतना मुश्किल होता है ना, मेरा इतना ज़्यादा पसीने से बुरा हाल था ना, तो अगर मैंने वीडियो वगैरह ना बनानी हो, तो फिर घर में मैं इसी तरह से ही ना काम करती हूँ, तो आज चूंकि मैंने वीडियो बनानी थी, तो फिर मैंने खुद को अच्छे से कवर किया हुआ है, दुपट्टा अच्छी तरह से लपेटा हुआ है खुद को, तो बस मैंने फिर थोड़ा सा ही शूट किया। और ना इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, कि वो सीधा ना दिल घबराता है मेरा, तो गर्मी में रह रह के इतना पसीना आता है, मुझे स्वेटिंग बड़ी ज़्यादा होती है, तो मेरी हेल्पर भी यही कह रही थी आप काम करती हैं ना, तो इतना पसीने से आपका बुरा हशर हो जाता है। तो हालांकि वो क्लीनिंग वगैरह कर रही होती है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा पसीना नहीं आता जितना मुझे आता है, तो बस ये पता नहीं क्या है, हालाँकि पहले मुझे नहीं आता था, अब मुझे बड़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो चीज़ों के ऊपर भी ना डस्ट पड़ी हुई थी, तो वही मैं साफ़ कर रही थी, मैंने कहा चलो वीडियो की तरफ भी वापस आते हैं, मैं क्या आपको अपनी स्टोरीज़ बताने बैठ गई हूँ, तो अब ना अच्छे से मैं बस ना, ये मुझे ना यहाँ पे ये जो कवर्स मैंने डाले हुए हैं ना, तो ये भी मुझे गंदे ही लग रहे थे, मैंने कहा चलो एक दो दिन में मशीन लगाती हूँ ना, तो तब इनको उठाऊँगी। वैसे तो मेरा दिल यही चाह रहा था आज इनको उठा दूँ, क्योंकि ये भी ना बस इनके ऊपर भी डस्ट पड़ पड़ के ना, फिर इनका भी बुरा हाल ही है, लेकिन मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल तो पीछे रहने देती हूँ, घर में कोई आ ही जाता है, फिर अगर ये उठा दो ना चीज़ें, तो स्पेशली आपके घर कोई गेस्ट वगैरह आता है, चाहे वैसे महीना महीना कोई आए ना, लेकिन अगर आपने घर को उलट पुलट किया हो ना, सारे मैट्स वगैरह उठाए हों, चादरें ऐसे ही बिछाई हों कोई रफली, तो फिर ना स्पेशली कोई ना कोई गेस्ट आपके घर आ जाता है, तो इसलिए मैंने कहा कि जब मैं कपड़े जिस दिन धोऊंगी उसी दिन ही ये मैट्स वगैरह उठाऊंगी। तो अरीबन अंदर कमरों की कर रही थी, मैं टीवी लाउंज की कर लिया करती हूँ, बस ये ना हमने फिक्स किया हुआ है, तो जब भी मुझे डस्टिंग करनी होती है ना, अब मैं अरीबा से कहती हूँ कि वो भी साथ किया करे मेरे, तो बच्चियों को ना कहना पड़ता है फिलहाल, पहले मैं उसको नहीं कहा करती थी,
क्योंकि पहले तो वो कॉलेज जाती थी, घर में भी आके पढ़ती थी, मैं कहती थी वो इसी तरह से ही थक जाती है, चलो रहने दो, क्या कहना है, अभी मैं खुद ही कर लूँगी। लेकिन आजकल वो फ्री है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि वो भी साथ साथ ना थोड़ा सा कामों को देखा करे, इस तरह बच्चियों को आदत भी पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल उसको इतनी ज़्यादा आदत नहीं है, तो उसको कह कह के फिर मुझे करवाना पड़ता है। और ना यहाँ पे मैंने फ्रिज को भी साफ़ कर लिया है, तो फ्रिज को ना मैंने एक दो दिन में अच्छे से अंदर से भी डीप क्लीन करना है वैसे, तो मैं कर लिया करती हूँ जल्दी ही। और अब ना काफ़ी देर ही मुझे लगता है मैंने ईद उल फितर का ही किया हुआ है फ्रिज को भी क्लीन, तो उसके बाद से भी मैंने किया नहीं, इतनी गंदी थी भी नहीं, बाहर से ही बस बच्चे हाथ वगैरह लगाते हैं ना तो गंदी हो जाती है, लेकिन ना अंदर से इतनी ज़्यादा गंदी थी नहीं, तो फिर इसलिए इतना टाइम गुजर गया। अब मैं यही कह रही थी कि कल परसों में ना इसको भी साफ़ करती हूँ। तो चलिए जी, अब मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा था, आज सुबह से ही ना धूप नहीं निकली, तो इसी तरह से ना बादलों वाला मौसम था, तो मैंने कहा यहाँ पे बाहर बैठ के ताज़ा हवा में ना भिंडियाँ बनाती हूँ। तो भिंडियाँ मैं लेके आई हुई थी ना उसी दिन, जिस दिन मैं कीमा लेके आई थी तो साथ में मैंने भिंडियाँ भी ली थी, और आज ना वैसे मैंने कढ़ी बनानी थी तो फिर मुझे भिंडियाँ नज़र आ गई फ्रिज में, तो मैंने कहा पहले इनको तो ख़त्म किया जाए वरना ना इसी तरह से ये फिर पक जाएंगी फ्रिज में पड़ी पड़ी और फिर ना मज़े की भी नहीं बनेंगी, तो इसलिए बाहर बैठ के ही मैं इनको अच्छे से कट कर रही थी। अभी नमाज़ पढ़ के ना मैं असर की तो बाहर आके बैठी हूँ, मैंने कहा चलो बाहर बैठ के आराम से खुली हवा में तो फिर ही भिंडियाँ काटती हूँ। और कुछ ना मैं अंदर रीबा को दे आई थी, वो अंदर बैठ के कट कर रही थी, तो ये किलो में लेके आई थी भिंडियाँ, इसलिए मैं ज़्यादा बनाती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं, फिर अगले दिन ना वो ब्रेकफास्ट में भी ये खा लेते हैं, साथ में अंडा मैं उनको फ्राई कर देती हूँ, साथ में ये भिंडियाँ पड़ी होती हैं ना तो वो भी खा लेते हैं, तो इसलिए ये फिर मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। और अब मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर ना मैंने प्लांट्स को ना आगे पीछे किया है बड़े अच्छे ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, मैंने कहा ये कोने में घुसा हुआ है, इसे मैं निकाल के बाहर करती हूँ। और देखिए अभी भी ना आसमान पे बादल आए हुए हैं, तो बादलों वाला ही मौसम था आज। और चलिए जी, अब मैं आपके साथ ना आज एक चैनल को शेयर कर रही हूँ, बीना लाइफस्टाइल इन कैनेडा इनके चैनल का नाम है, और माशाल्लाह से इनका चैनल इतना प्यारा है ना, ये इतने प्यारे होम व्लॉग्स बनाती हैं और रेसिपीज़ भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त शेयर की हुई है। तो मैं ना आज वैसे ही मोबाइल देख रही थी यहाँ पर बैठ के अंदर रूम में ही, तो मैंने कहा चलो ना आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये ना मुझे खासा अच्छा लगा क्योंकि डेली रूटीन ही डेली वर्क्स ये दिखाती हैं और साथ में रेसिपीज़ भी शेयर करती हैं और कुछ ये अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताती हैं और कुछ ना स्पेशली कनाडा भी देखने को मिलता है इनकी वीडियोज़ में, तो मुझे ये चैनल बड़ा ज़्यादा अच्छा लगा ना, मैंने कहा चलो अपने देखने वालों के साथ भी शेयर करती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ ना वही चैनल्स शेयर करती हूँ जिनका कॉन्टेंट अच्छा होता है, तो लास्ट टाइम भी मैंने एक किया था चैनल शेयर, वैसे आपको पता है मैं शाउट आउट वगैरह नहीं देती, लेकिन जो चैनल फिर मुझे अच्छे लगते हैं ना तो मैं उनके बारे में ज़रूर बात करूँगी, लेकिन अब मैंने शाउट आउट देना भी शुरू किया हुआ है, आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन वही चैनल जो मुझे खुद ज़ाती तौर पर पसंद आते हैं ना तो वही चैनल फिर मैं आगे आपको भी बताती हूँ। तो आप लोगों ने ना सब ने इस चैनल का विज़िट ज़रूर करना है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना ट्रिक्स भी बताए हुए हैं, तो मुझे इनका चैनल ना वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी हैं इनकी, मुझे इनका चैनल अच्छा लगा है, तो आप लोग भी देखिएगा इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं आपको बता रही थी इनके चैनल का नेम है बीना लाइफस्टाइल इन कैनेडा, और इन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस यूज़फुल वीडियोस भी बनाई हुई हैं जैसे स्टोव को साफ़ करने के बारे में, और भी काफ़ी ज़्यादा ना मैंने देखी हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स टिप्स का पता चलता है इस तरह से, जो चैनल इस तरह अच्छा कंटेंट बनाते हैं बाज़ात ऐसे होता है कि वो नज़रों के सामने से नहीं गुजरते या हम उन्हें इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा जिनका कंटेंट होता है ना लाजमी बात है कि उनको देखना ही चाहिए। अब जल्दी से भिंडियाँ बना लेते हैं, मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में, मैंने कहा चलो भिंडियाँ तो बनाते हैं। और अभी ना हनान को आने में टाइम बाकी था, मैंने कहा उसके आने से पहले पहले ही ना आजकल मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, हांडी बना के मैं बिल्कुल फारिग हो जाती हूँ, तो ये मुझे ना टाइम काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लगा है, तो आजकल हनान के आने से पहले खाना वगैरह रेडी होता है, फिर वो जैसे ही आता है खाना तो गरम गरम पका होता है, मैं साथ में रोटियां भी गरम बना देती हूँ, फिर ना वो खा लेता है आते साथ। तो यहाँ पे ना मैंने ऑयल लिया है बिल्कुल जितना हांडी में डलता है ना उतना ही मैंने ऑयल लिया है, और इसमें कटी हुई भिंडियाँ डाल के अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ी सी अजवाइन, तो इन दोनों चीज़ों का ना फ्लेवर इतना
मज़े का बनता है ना भिंडियों में, तो अगर आपने कभी नहीं डाला तो लाजमी डालिएगा। मेथी दाना और अजवाइन बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं भिंडियों में, तो मैंने साथ में इन दोनों चीज़ों को भी फ्राई कर लिया है। और जैसे ही भिंडियाँ हल्के से फ्राई हुई तो मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, तो भिंडियों को ना मैं ज़्यादा ही लाल नहीं करती, फिर वो बिल्कुल काली काली उनकी शक्ल बन जाती है, तो मुझे ना वैसी भिंडियाँ अच्छी नहीं लगती, मुझे बिल्कुल ना हरी हरी हों भिंडियाँ तो वही अच्छी लगती हैं। मैं कम ही फ्राई करती हूँ, फ्राई करके मैं ज़्यादा नहीं बनाती। और अब इसमें मैंने डाले हैं बेसिक मसाले, तो नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है, बस जो बेसिक मसाले होते हैं ना बस मैंने वही डाले हैं। और अब ना अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। और अब मैं इसमें ना कटे हुए प्याज डाल रही हूँ, और इसको भी मैं अच्छे से भिंडियों के साथ ही फ्राई कर लूँगी। बस इसी तरह से ना भिंडियों को फ्राई करते करते ही मैंने बनाना है, क्योंकि बस ना मैं दूसरी तरह मसाला भून के नहीं बनाती, इसी तरह से भिंडियाँ लाल करती हूँ, हल्के से फ्राई करती हूँ, उसमें सारे मिर्च मसाले डालती हूँ, लहसुन अदरक डालती हूँ, प्याज डाल देती हूँ। और टमाटर वैसे तो इसमें काट के डालते हैं, लेकिन मेरे पास फ्रेश टमाटर थे नहीं, तो मैंने ना 3 टमाटर ब्लेंड कर लिए हैं। और अब ना इसको मैंने डाल दिया है, और फ्लेम को ना मैंने इस वक्त हाई कर दिया था, मैंने कहा जल्दी से ना टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि फिर टमाटर का पानी निकलेगा ना, टमाटर पानी छोड़ेगा तो उसमें भिंडियाँ फिर कहीं मेरी नरम ही ना हो जाए, तो मैंने ना फ्लेम को कर दिया था हाई। और हाई फ्लेम पे ना जल्दी से टमाटरों का पानी खुश्क करके तो 10 मिनट के लिए ना मैं इसको बिल्कुल हल्की आँच पर रख दूँगी, जैसे दम वाली आँच होती है ना वैसे। तो चलिए जी, वो तो भिंडियाँ तो होती रहेंगी, मैंने पानी खुश्क कर दिया था और आँच को बिल्कुल लो कर दिया था फ्लेम को। तो अब मैं ना यहाँ पे पकाने लगी थी हनान के लिए रोटियाँ, हनान आ गया था। तो मुझे ना काउंटर टॉप थोड़ी सी गिली गिली नज़र आई, क्योंकि यहाँ पे ना हेल्पर मेरी वो बर्तन वगैरह धो के रख जाती हैं काउंटर टॉप्स पे ही, ताकि वो खुश्क हो जाए, और उसके बाद फिर मैं उनको ना कैबिनेट्स में रख देती हूँ, दराज में रख देती हूँ, तो इसलिए ना ये सारी जगह ना गीली थी। और अब ना मैं जल्दी से बना लेती हूँ रोटियाँ। तो 2 रोटियाँ मैं इसलिए बनाने लगी हूँ क्योंकि ना भिंडियाँ ना बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि हनान खाएगा ना, लाजमी बात है, उसके साथ ना थोड़ा थोड़ा ना ये अरीबा और मुर्तज़ा दोनों टेस्ट करेंगे। तो वैसे ना हनान एक ही रोटी खाता है, तो ज़्यादा वो नहीं खाता, बच्चों को ऐसे ही आदत पड़ी हुई है, जो आदत उनको पड़ी हुई है उसी के मुताबिक ही वो चलते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा तो बना दी थी, अब उसका दिल चाहेगा तो खा लेगा, वरना ना ये फिर अरीबा और मुर्तज़ा दोनों थोड़ी थोड़ी सी खा लेंगे। और आजकल ना दिन खासे लंबे हैं ना, तो सुबह से काम स्टार्ट होते हैं और इस वक्त तक ना बिल्कुल मैं फ्री हो जाती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ना मैंने अपने टाइम को मैनेज कर लिया है, वरना पहले समझ आती ही नहीं थी टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाए। खाना मैं लेट पकाती थी और फिर उससे पहले मैं वॉइस ओवर वगैरह करती थी, अब मैं ना पता है क्या करती हूँ, पहले मैं खाना पका लेती हूँ और उसके बाद ना वॉइस ओवर आराम से करती रहती हूँ, फिर सर पे कोई बर्डन भी नहीं होता। इस तरह ना मेरे माइंड पे बड़ा बर्डन होता था कि अभी मुझे ना वॉइस ओवर करने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद खाना भी बनाना है, फिर साथ में किचन को भी देखना है, तो ये सारा ना फिर मेरे माइंड पे बर्डन रहता था। लेकिन आजकल ना काफ़ी मैं टाइम को ना सेटल मैंने कर लिया है और मैं खुद को ना तरीके से फिर चला रही हूँ, तो इसी तरह से ना ये रूटीन मुझे पसंद आई है। तो चलिए जी, जल्दी से रोटी बना लेते हैं। और आजकल किचन का काम करना कोई आसान काम नहीं है, इतना ज़्यादा पसीने से बुरा हाल होता है ना, बुरा हशर मेरा हो गया है, मैं बिल्कुल इस वक्त ना पसीने से नुचड़ रही हूँ, तो बस ना किचन का काम करने से के बगैर भी बिल्कुल गुजारा है ही नहीं, और स्पेशली जो मॉम्स हैं, मदर्स हैं, उनका तो गुजारा होता नहीं है किचन के कामों से। तो बस अभी ना मैं इस वक्त जल्दी जल्दी से मैं ना हनान को कह रही थी, हनान रोटी बड़ी फूल रही है, लगता है आपको बड़ी भूख लगी हुई है। और अभी ना साथ ही मेरी ये बन गई है भिंडियां भी, बस मैं उसमें चम्मच ही लगा रही थी। तो किचन के काम करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अब हो गई हूँ फ्री, और अब ना ये टाइम मेरा फ्री होता है, फिर उसके बाद फिर खुद को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, वरना ये घर के कामों में ही सारा टाइम निकल जाता है। तो देखिए भिंडियाँ कितनी अच्छी बनी है ना, घी आ गया था साइडों पे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना हनान को डाल के देती हूँ, वो बैठ के ना मेरा वेट ही कर रहा था, अभी वो आया था, मैंने उसे कहा जाके फ्रेश होके आओ, और अब ये फ्रेश होके आ गया था, तो अब खाना खा लेगा बैठ के, और फिर इसके बाद ना पढ़ाई कर लिया करता है। तो इसकी भी रूटीन काफ़ी टफ़ हो गई है, स्कूल से एकेडमी, क्योंकि अभी स्कूल से वेकेशंस नहीं हुई, इसको समर कैंप अभी चल रहा है, तो इसलिए ना बच्चे अभी बिज़ी ही हैं, बच्चे नहीं ये बस हनान ही बिज़ी है,
तो बाकी मुर्तज़ा और अरीबा तो दोनों फ्री हैं, वो समर वेकेशन इंजॉय कर रहे हैं। बस यही है जो फंसा हुआ है, तो आके ना बड़ा मुंह बना के बैठ जाता है जब एकेडमी से वापस आता है ना, तो इसका मुंह बना होता है कि मैं आया हूँ गर्मी में तो पढ़ के, और ये दोनों बैठे हुए हैं आराम से, तो थोड़ी देर के लिए मुँह बनाता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। तो बस इसी तरह से रूटीन चल रही है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, वीडियो का करते हैं एंड। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।